हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स और रीजनिंग जो ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं। असम पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 2020 में, तो उसके मैथ्स और रीजनिंग को हम लोग देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया था। और इस तरह क्वेश्चन जो आया था विद इन सेकेंड हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये सारे मेरे चैनल में ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन है। तो यहाँ देखोगे, पहला जो क्वेश्चन है कि अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ट्वाइस इट्स लेंथ इन 40 seconds, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड पूछ रहा है दोस्तों, किसका, ट्रेन का। तो दोस्तों ध्यान से देखोगे, मैंने बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चंस मैंने जब करवाया भी था प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन के, तो यहाँ पे जब भी दो बड़ा जब ऑब्जेक्ट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को प्लस करते हैं। जैसे यहाँ देखोगे, ये है आपका 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 240, ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म क्या बोल रहा है कि ट्वाइस इट्स लेंथ, किसके, ये हो गया आपका ट्रेन का डबल है, ठीक है ना। तो अब इसका ट्रेन का डबल मींस, अब ये 240 है तो प्लेटफॉर्म का क्या होगा, 2 × 240 यानी 24 × 2 करोगे तो 48 यानी 480 मीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि ये हो गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, आपको निकालना क्या है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू दोस्तों आपको पता ही है कि डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम देखोगे कितने टाइम में भाई क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को, तो 40 सेकेंड्स में, तो नीचे आ गया 40। ये किस में है, ये आपका मीटर में है, और ये किस में दिया हुआ है, सेकेंड्स, यानी आंसर है मीटर पर सेकेंड। अब चेक करोगे ऑप्शन में है कि नहीं, नहीं होगा तो, अगर कभी कभी मीटर पर सेकेंड में भी हो सकता है, कभी क्या होता है किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में देखोगे तो सारे ऑप्शन किस में आए थे, मीटर पर सेकेंड्स, ईजी है। तो इन दोनों को पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, 7200 0842 carry 1 42617, ठीक है। नीचे हो गया 40, 0 से 0 गया, 18 4 हो गया दोस्तों 72, ठीक है ना। तो आंसर हो गया दोस्तों 18 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था दोस्तों, और ये आपको फाइंड करना था। तो अभी मैं ऑलरेडी असम कॉमन एग्जाम्स जो हो रहा है नंबर सीरीज में, वहाँ भी करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवाया हूँ, कैसे पैटर्न आएगा, कैसे बेसिक्स कंसेप्ट जो होगा नंबर सीरीज का, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखोगे, ये है 3, 10, 29, 66, 127, विद इन सेकेंड क्वेश्चन को देख के आप आंसर को निकाल सकते, कोई ट्रिक्स नहीं, कोई आपको माइनस नहीं करना है। कैसे देखोगे नंबर को दोस्तों, ध्यान से देखोगे तो ये सारे नंबर क्या है, क्यूब नंबर के आसपास है, ठीक है। क्यूब नंबर एटलीस्ट 15 तक दोस्तों आप लोग लर्न कर लोगे। तो ये देखोगे, ये है आपका 1 का क्यूब प्लस 2, 1 का क्यूब होगा 1 एंड देन प्लस 2 करोगे तो 3, 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, बोलोगे 8, 8 में 2 ऐड कर दे तो 10। उसी तरह से इसको देखो, 3 का क्यूब 27 प्लस 2 29, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 5 का क्यूब, है ना, ये 5 क्यूब प्लस 2। तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 एंड देन नेक्स्ट 6, तो आंसर हो गया 6 क्यूब प्लस 2। 6 क्यूब क्या होता है दोस्तों, 216 एंड देन प्लस 2 यानी 218 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखोगे LATMBU इस तरह से कंटिन्यू है, और ये आपको फाइंड करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको करना क्या है कि यहाँ देखोगे ध्यान से कि L फर्स्ट लेटर, इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट लेटर ये है ना, फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर को हम लोग काउंट करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है या पीछे की तरफ आ रहा है, उसके बाद उसी प्रोसेस से हम लोग आंसर को निकालेंगे। देखोगे LMNO एंड नेक्स्ट P, पहला होगा P, यानी अब ऐसे भी अगर ऑप्शंस में देखोगे तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि पहला भी है, ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला R है। तो दो ऑप्शंस तो गया, ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है आंसर। अगर आप लोग यदि आप विद इन सेकेंड आंसर को करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखोगे ये तो पता चल गया कि ये और ये होगा, नेक्स्ट क्या कॉमन है, ई है ना, तो अब बीच वाला मत निकालो क्योंकि ई ही होगा, ठीक है। यहाँ ये डिफरेंट है थर्ड वाला, तो थर्ड वाला आप काउंट कर लो और आंसर निकल गया, टी
यू बी डब्ल्यू देन नेक्स्ट एक्स बी ई एक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब निकालोगे सेकेंड वाला ई ही होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, डी ई जी जे एन एंड देन क्वेश्चन मार्क और यह वाई, इसे आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो गैपिंग देखना होता है। एक तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम लोग देखेंगे, आगे की तरफ फिंगर काउंट कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस है कि आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप इसको लर्निंग कर लो, ठीक है। तो यहाँ देखोगे डी ई कंटिन्यू हो रहा है यानी प्लस वन, ठीक है ना। ई एफ जी प्लस टू, जी एच आई जे प्लस थ्री। तो अब यहाँ से आपको पता चल चुका होगा वन टू थ्री, नेक्स्ट यहाँ फोर होगा तो नेक्स्ट यहाँ फाइव होगा, तो एन के आगे फाइव कर लो, आंसर आ गया। तो एन का पोजिशन क्या होता है, 14 प्लस फाइव यानी 19 में कौन होगा भाई, तो एस। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरह से भी आप विद इन सेकेंड आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड ओड वन। तो ओड वन दोस्तों पूछे ही जाएंगे। तो ओड वन मीन्स क्या है कि चार ऑप्शन है, अभी चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये डिफरेंट होगा और उस डिफरेंट को आपको फाइंड करना है, किसी भी एंगल से हो सकता है। तो यहाँ देखोगे पहले क्या दिया हुआ है, लेटर है, यहाँ भी लेटर है और यहाँ नंबर है। जब भी ऐसे आ जाए कि लेटर है और बीच में नंबर है या फिर नंबर लास्ट में भी हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजिशंस को सबसे पहले देखोगे, ठीक है। तो देखोगे सी का पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो ये होगा आपका दोस्तों 3। एफ का पोजिशंस को देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी हो गया 6। तो 6 प्लस 3 करेंगे तो 9, ठीक है। यहाँ तक तो मिल रहा है, यानी इन दोनों का पोजिशंस को ऐड किया गया है। यहाँ H का पोजीशन 8, N का 14, दोनों को ऐड करते हैं तो 22 आएगा, जो कि है यहाँ पे। अभी तक तो दोनों सेम है, आगे देखते हैं डिफरेंट कौन है भाई। तो ये हो गया 14, N का, R का पोजीशन हो गया 18, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 32 ही आएगा। तो आंसर तो पता चल गया, D ही होगा। जब तीन एक जैसा मिल गया तो D आंसर होगा, श्योर है। चेक कर लो आप, E 5, Y आप देखोगे 25, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 30, बट यहाँ क्या है 29, ठीक है ना, क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखोगे ये आपको फाइंड करना है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखोगे नंबर को। तो दोस्तों ये नंबर तो बढ़ तो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे ये 0 1 अगेन 1 है, तो इन दोनों अगर नंबर को अगर हम प्लस कर दें 0 प्लस 1 तो यानी 1 थर्ड वाला मिल रहा है। फिर चेक करोगे इन दोनों को आप प्लस करो, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 21, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, यहाँ चार एक ही डाइस के चार अलग अलग स्थितियाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि अपोजिट द फेस 4, यानी 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 ऊपर होगा तो उसके नीचे क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखोगे ऐसे कंडीशन में जब भी डाइस 3 हो या 4 हो, मोर देन 2 हो, तो आपको करना क्या होता है कि ऐसा 2 डाइस को लेना है कि जिसका एक फेस क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो ये बेटर होता है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सारे का अपोजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखोगे आप इन दोनों को आप कंपेयर करो, तो यहाँ क्या एक फेस कॉमन दिख रहा है, तो हाँ अब बोल सकते हो एक फेस कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी 5 है, ये भी 5 है, कॉमन मीन्स ये नहीं कि 5 यहाँ है तो यहाँ है, ऐसे कहीं भी हो सकता है, ये 5 यहाँ, यहाँ भी हो जाए, यहाँ कहीं भी एक जगह, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको करना कैसे, अब देखोगे जैसे क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग करते हैं ना, तो वैसे ही रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे, तो सबसे पहले करना कैसे, यहाँ देखोगे क्लॉक कैसे चलता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रोटेशन करेंगे, तो देखोगे 5 देन उसके बाद 6 4, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 5 एंड देन नेक्स्ट 6 एंड देन 4, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में देखोगे कि कॉमन किस डाइस में है, अब इन दोनों से हमें मतलब नहीं है, इसी से 2 से आंसर हमारा निकल जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखोगे 5 है ना, तो इस 5 के नीचे 5 को आपको लिख लेना है। उसके बाद अब यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे, यहाँ से ये उसके बाद ये, यानी 5 के बाद क्या आएगा, 2 एंड देन 1, तो यहाँ इसके नीचे लिखोगे 2 और यहाँ पे 1, क्लियर। तो अब ये जो दिख रहा है ना, जैसे 6 का 2, 6 2 4 1, ये एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है किसका, अपोजिट 4 का, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 का पूछता 2, 2 का पूछता 6, 5 का अगर पूछता तो अब देखोगे डाइस में टोटल कितने होते हैं नंबर 1, 2, 6, यहाँ पे आपको क्या मिसिंग दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बाकी सारे मौजूद हैं, तो 5 का हो जाएगा, जो मौजूद नहीं होगा यहाँ पे वो एक ही बचेगा, वो हो जाएगा जो कॉमन है वो कॉमन, ये 5 का 3 और 3 का 5 अगर पूछता तो ये होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है इफ 789 इज रिटन एज दिस वन देन 9 विल बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इजी क्वेश्चन है, 9 का पूछ रहे हैं, तो देखोगे 111 एंड देन अगेन 0, तो 10 जब भी मिले तो ये बाइनरी नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग बाइनरी नंबर के थ्रू विद इन सेकेंड आंसर को निकाल सकते हैं। करना क्या है, किसका पूछ रहा है उसका देखो पहले, आप 9 का पूछ रहा है ना, तो 9 को आप यहाँ रखो, उसके बाद अब इस 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो देखोगे अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, बचा क्या 1 ना, तो इस 1 को यहाँ रख लो ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 से ही डिवाइड करना दोस्तों, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 2 2 4, अब ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे 0 रख लो। ठीक है, अगेन फिर 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों, तो ये 2 से जाओगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 1 2 1 2, यानी रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो यहाँ आपको 0 रखना है। ठीक है, तो अब ये देखोगे नीचे 1 1 और 0, यही होगा बाइनरी नंबर। ठीक है, 1 और 0 ही होता है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, काउंट कर लेना है, ये हो गया 1 एंड देन 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1001। ऑप्शन नंबर देखोगे कि कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 35% ऑफ अ नंबर इज 2 times 75% ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो देखोगे 35, तो ये हो गया 35% ऑफ अ नंबर, नंबर आपको नहीं पता, हम नंबर ले लेते हैं दोस्तों x। ठीक है, इज मीन्स हो गया दोस्तों इक्वल, बोला है कि 2 times 75% ऑफ अनदर नंबर, अनदर नंबर हमें नहीं पता है, y ले लेते हैं, इसका क्या बोला है कि 2 times, ये 2 लगा दिए, और साथ में क्या बोला दोस्तों 75%, अब इसका 75% ले लेते हैं। अब यहाँ से x, अब रेशियो पूछ रहा है यानी फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया y सेकेंड, यानी x बाई वाई पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना आपसे, ये हो गया रेशियो। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये परसेंटेज ये परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, ये 35 क्या होगा, इन दोनों के नीचे आएगा, और y हम यहाँ लेकर आ गए, तो ये हो गया 2 into 75 और नीचे आ जाएगा 35, 5 से कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करोगे तो ये 7 बार में, ये जाएगा आपका 15 5 जा 75, एंड देन 15 को 2 से इंटू करोगे तो 30 ऊपर और नीचे आ गया 7, यानी रेशियो देखोगे तो 30:7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर में देखोगे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ देखोगे ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको फाइंड करना है, तो अब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि अगर रो वाइज देखें तो ये 26 कैसे आया, 60 कैसे आया, ये हम लोग देखते हैं, या फिर अगर कॉलम वाइज देखें तो ये 90 कैसे आया, 32 कैसे आया, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये फेल होने के बाद हम लोग दूसरे प्रोसेस में जाते हैं, तो सबसे पहले यही चेक करते हैं, तो 26 इन दोनों को प्लस करने से भी नहीं आने वाला है, इन दोनों को अगर माइनस करें तो भी तो ये आने वाला है नहीं, है ना, तो दोस्तों अब इन दोनों को भी प्लस करे माइनस करे डिवाइड करे तो आने वाला नहीं है, तो ये तो फेल हो रहा है, तो इस साइड से देखते हैं, तो इस साइड से अगर देखें तो यहाँ 15 है, 30 90 आने वाला नहीं है, प्लस करे या माइनस करे या इनटू करे तो आने वाला नहीं है। जब ये प्रोसेस फेल हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक साइड से प्लस करते हैं। ठीक है, तो किधर से प्लस करे, तो इस साइड से चलो हम लोग प्लस करते हैं, तो 90 30 ओवरऑल को प्लस करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 120 और इसमें हो गया 15 को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया आपका 135। इसको देखते हैं तो ये हो गया 325 एंड देन 10 और 313, तो देखोगे सेम आया ना, तो ये याद रखोगे लॉजिक दोस्तों कि जब भी आए तो पहले आप प्लस नहीं करोगे, पहले आप चेक करोगे कि
कि इस तरह से चेक करोगे, इस तरह से चेक करोगे, आ रहा है या नहीं। अगर ये प्रोसेस फेल हो तब हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, ओवरऑल को प्लस करके चेक करते हैं। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे अब इन दोनों को पहले प्लस कर लो, तो ये हो गया 6 एंड देन 6 to 8, लाना कितना है 135, आया कितना 86, तो माइनस कर दो, निकल गया। तो ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 12, यानी 49, तो यहाँ क्या रखेंगे 49 रखेंगे, तब ये जाके तीनों मिलकर 135 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइम इन वर्क का क्वेश्चन। ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए किसी एक काम को 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ही वर्क फॉर 8 डेज, वो काम कितने दिन किया, 8 डेज तक ही काम किया। उसके बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों कि एंड लेफ्ट, ये लेफ्ट हो जा रहा है, उसके बाद ये काम छोड़ देता है, यानी लेफ्ट हो गया, ठीक। तो बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज, तो 8 दिन तक काम किया। ए किसी काम को 40 डेज में काम को ख़त्म कर रहा है और 8 दिन तक ही काम किया, तो बचा कितना काम दोस्तों, माइनस कर देंगे तो ये हो गया 32। तो 32 यूनिट का काम अभी बचा हुआ है, इसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है भाई, ठीक है ना। कितने दिनों में कर रहा है, 16 डेज में कर रहा है, तो बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो 16 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एफिशिएंसी अगर हमें निकालना होगा तो बी का अगर पता चल रहा है कि कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, ये आपका 16 है ना, तो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल वर्क से डिवाइड कर देते हैं, निकल जाता है, ठीक है। तो ये डिवाइड करोगे तो 2, तो 2 यूनिट का एफिशिएंसी हो गया दोस्तों किसका, बी का, ठीक है। यानी ए से काम करने का जो एफिशिएंसी है, क्षमता जिसको बोलेंगे, बी का ज़्यादा है, क्योंकि बी क्या कर रहा है, 2 दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है, इसलिए जल्दी ख़त्म कर रहा है ना, 16 डेज में ही काम को ख़त्म कर रहा है 32 यूनिट का, ठीक है। आगे देखते हैं, तो बोल रहा है कि ही लोन वुड ए एंड बी टुगेदर टेक द कंप्लीट वर्क, ठीक है। तो दोस्तों देखोगे तो ए का एफिशिएंसी क्या हो गया, 40 डेज ले रहा है, यानी 1 यूनिट है ना, और बी का कितना हो गया, 2 यूनिट। तो हम लोग अब दोनों अगर मिलकर काम करें तो क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क तो पता चल रहा है कि 40 डेज का काम था, तो 40 एंड देयर एफिशिएंसी को ऐड कर दो, ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी, ये हो गया 1+2 यानी 3। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये कितनी बार में जाएगा, 13, ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 13 3 39 + 140 एंड देन डिवाइड बाई 3, यानी ए और बी मिलकर 13 1/3 डेज में काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो दोस्तों अभी असम पुलिस SI का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था, तो अभी जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, आप अगर मुझे कमेंट करोगे कि सर ये वीडियो चाहिए, तो मैं ऑलरेडी आपके लिए उस वीडियो को लेकर आ जाऊंगा। और इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।